का चुनाव करें, उसकी सही तकनीक से बुआई या रोपाई करें, पौधों के बीच सही दूरी अपनाएं। अभी के वक्त में किन किन सब्जियों की बुआई आप कर सकते हैं और उनकी सही तकनीक क्या है, इसके लिए ये रिपोर्ट देखिए। गर्मियों में सब्जियों की सप्लाई के लिए अभी से तैयारी जरूरी है। इसके लिए फरवरी का महीना आपके लिए बड़े काम का है। इस महीने में जायद की फसलों की बुआई जो शुरू होती है वो मार्च तक चलती है। आप इसमें कई सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। इस समय बोने पर ये फसलें अच्छी पैदावार देती हैं। इस मौसम में खीरा, ककड़ी, करेला, लौकी, तोरई, पेठा, पालक, फूलगोभी, बैंगन, भिंडी, अरबी जैसी सब्जियों की बुआई करनी चाहिए। आइए एक एक कर जानते हैं इन सब के बारे में। खीरे की खेती के लिए खेत में क्यारियां बनाएं, इसकी बुआई लाइन में ही करें। लाइन से लाइन की दूरी 1.5 मीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर। बुआई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई करनी चाहिए। खेत में सफाई रखें और तापमान बढ़ने पर हर सप्ताह हल्की सिंचाई करें। खेत से खरपतवार हटाते रहें। खीरे की प्रमुख किस्मों में जापानी लौंग, ग्रीन पोइनसेट, खीरा पूना, फैजाबादी और कल्याणपुर मध्यम जैसी किस्में हैं। ककड़ी की बुआई के लिए उपयुक्त समय फरवरी से मार्च तक होता है। इसे लगभग हर तरह की जमीन में उगाया जा सकता है। वैसे इसकी फसल बलुई दोमट भूमि में ज्यादा अच्छी होती है। ककड़ी की बुआई 2 मीटर चौड़ी क्यारियों में नाली के किनारों पर करनी चाहिए। पौधे से पौधे का अंतर 60 सेंटीमीटर रखें। एक जगह पर 2-3 बीज बोएं, बाद में एक स्थान पर एक ही पौधा रखें। इस फसल की सिंचाई सप्ताह में 2 बार करनी चाहिए। इसकी स्वर्ण पूर्णिमा और पंत संकर अच्छी वैरायटी मानी जाती है। हल्की दोमट मिट्टी करेले की खेती के लिए अच्छी होती है। करेले की बुआई 2 तरीके से की जाती है, बीज से और पौधे से। करेले की खेती के लिए 2 से 3 बीज 2.5 से 5 मीटर की दूरी पर बोना चाहिए। बीज को बोने से पहले 24 घंटे तक पानी में भिगो लेना चाहिए, इससे अंकुरण जल्द और अच्छा होता है। नदियों के किनारे की जमीन करेले की खेती के लिए बढ़िया रहती है। कुछ अम्लीय भूमि में इसकी खेती की जा सकती है। इसकी 2 वैरायटी काफी प्रचलित हैं, पूसा संकर 1 और पूसा संकर 2। इसके अलावा पूसा विशेष, पूसा औषधि और पूसा हाइब्रिड 1 भी इसकी अच्छी किस्में मानी जाती हैं। लौकी की खेती हर तरह की मिट्टी में हो जाती है, लेकिन दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी होती है। लौकी की खेती के लिए 1 हेक्टेयर में 4.5 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। लौकी के बीजों के लिए 2.5 से 3.5 मीटर की दूरी पर 50 सेंटीमीटर चौड़ी और 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी नालियां बनानी चाहिए। इन नालियों के दोनों किनारे पर 60 से 75 सेंटीमीटर के फासले पर बीजों की बुआई करनी चाहिए। एक जगह पर 2 से 3 बीज 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं। पूसा संतुष्टि, पूसा संदेश, पूसा नवीन और पूसा समृद्धि लौकी की बेहतर किस्में हैं। भिंडी की अगेती किस्म की बुआई फरवरी से मार्च के बीच करते हैं। इसकी खेती हर तरह की मिट्टी में हो जाती है। भिंडी की खेती के लिए खेत को 2-3 बार जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा कर लेना चाहिए और फिर पाटा चलाकर समतल कर लेना चाहिए। बुआई कतारों में करें। कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और कतार में पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बोने से 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई जरूरी होती है। खरपतवारों के लिए रासायनिक नियंत्रण भी आजमा सकते हैं। इसकी अच्छी किस्मों में अर्का अभय, अर्का अनामिका, परभनी क्रांति, वर्षा उपहार जैसी किस्में आती हैं। हल्की दोमट मिट्टी तोरई की सफल खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। नदियों के किनारे वाली भूमि इसकी खेती के लिए बेहतर होती है। तोरई में निराई ज्यादा करनी पड़ती है। इसके लिए कतार से कतार की दूरी 1 से 1.20 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर होनी चाहिए। एक जगह पर 2 बीज बोने चाहिए। बीज को ज्यादा गहराई में ना लगाएं, इससे अंकुरण पर फर्क पड़ता है। 1 हेक्टेयर जमीन में 4 से 5 किलोग्राम बीज लगता है। बिहार और पंजाब में इसकी सरपूतिया किस्म ज्यादा पसंद की जाती है। इसके अलावा पंजाब सदाबहार, पूसा चिकनी, कल्याणपुर चिकनी, राजेंद्र नेनुआ और पूसा नसदार भी इसकी अच्छी वैरायटी मानी जाती है। पालक के लिए बलुई दोमट या मटियार मिट्टी अच्छी होती है। पालक की खेती के लिए 1 हेक्टेयर में 25 से 30 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है।
बुवाई के लिए कतार से कतार की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। पालक के बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए, इससे अधिक गहरी बुवाई नहीं करनी चाहिए। इलाके की जलवायु और भूमि के अनुसार ही किस्मों का चयन करें। इसकी ऑल ग्रीन, पूसा ज्योति, पूसा हरित, पालक नंबर 51, 16 जैसी बेहतर वैरायटी मौजूद है। अरबी की खेती के लिए रेतीली दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। इसके लिए जमीन गहरी होनी चाहिए, जिससे इसके कंदों का समुचित विकास हो सके। अरबी की खेती के लिए समतल क्यारियां बनाएं। इसके लिए कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसकी गांठों को 6 से 7 सेंटीमीटर गहराई पर बो दें। अरबी की किस्मों में पंचमुखी, सफेद गौरिया, सहस्त्रमुखी, C9 प्रमुख हैं। फरवरी में इसकी नर्सरी तैयार की जाती है और इसकी रोपाई अप्रैल में की जाती है। बैंगन की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। नर्सरी में पौधे तैयार होने के बाद दूसरा महत्वपूर्ण काम होता है खेत तैयार करना। मिट्टी परीक्षण करने के बाद खेत में एक हेक्टेयर के लिए 4 से 5 ट्रॉली गोबर की खाद बिखेरे। बैंगन की खेती के लिए 2 पौधों और 2 कतारों के बीच दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बैंगन में पूसा श्यामला, पूसा अंकुर, पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा उत्तम और DBHL 20 जैसी किस्में बेहतर मानी जाती हैं। पेठा कद्दू की खेती के लिए दोमट और बलुई दोमट सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा ये कम अम्लीय मिट्टी में आसानी से उगाया जा सकता है। इसके लिए एक हेक्टेयर में 7 से 8 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। इसकी पूसा विश्वास, पूसा विकास, कल्याणपुर पंपकिन 1, नरेंद्र अमृत, अर्का सूर्यमुखी और अर्का चंदन जैसी प्रमुख किस्में हैं। आप इन सब्जियों की बुआई, रोपाई या नर्सरी लगाने में देर ना करें, यही माकूल वक्त है। अगर कृषि दर्पण में बताई गई इन विधियों से आप इन फसलों की अभी नींव डालेंगे तो बम्पर उपज और जबरदस्त कमाई के हकदार बनेंगे। कृषि दर्पण, जी मीडिया। खेती के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत आज भी बिजली और डीजल से चलने वाले पंप है, लेकिन एक तो बिजली की कमी और उस पर बिजली ना होने पर पंप सेट को चलाने के लिए डीजल का इस्तेमाल, इन दोनों में ही परेशानी है। डीजल से लागत तो बढ़ ही रही है, साथ ही इसके धुएं और ध्वनि से जैविक पर्यावरण पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। ऐसे में किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प है सोलर पंप सेट, जिसके इस्तेमाल से किसानों को बिजली की समस्या से निजात मिलेगी, साथ ही लागत भी कम आएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए आज कृषि दर्पण में देखिए सोलर पंप से जुड़ी हुई वो तमाम जानकारियां जो किसानों के लिए बेहद लाभदायक है। आज हमारे देश की 22% ऊर्जा और 80% पानी का उपयोग अकेले कृषि क्षेत्र में होता है, जो कृषि में उत्पादकता के लिहाज से बहुत ज्यादा है, लेकिन तकनीकी जानकारी के अभाव में किसान मजबूर हैं। ऐसे में कृषि क्षेत्र में ऊर्जा और पानी की इस बर्बादी को रोकने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और इन दोनों की बर्बादी को रोकने की सबसे अच्छी प्रणाली साबित हो सकती है सौर ऊर्जा संचालित ड्रिप सिंचाई प्रणाली। इसके प्रयोग से हम ऊर्जा के साथ साथ पानी के नुकसान को भी कम कर सकते हैं। ये सिस्टम सौर ऊर्जा चलित पंप और ड्रिप सिंचाई सिस्टम का मिलन है। सौर ऊर्जा संचालित पंप उन ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम को कम करता है जहां पर बिजली की पहुंच नहीं है, साथ ही जहां पानी महिलाओं और युवाओं के द्वारा हाथों से खींचा जाता है। दूसरी ओर ड्रिप सिंचाई सीधे पौधों की जड़ों को पानी और उर्वरक देने के लिए शानदार सिस्टम है। ये सिस्टम फसल की पैदावार को तो बढ़ाता ही है, साथ साथ ऐसे क्षेत्र जो पूर्ण रूप से बरसात पर निर्भर होते हैं वहाँ पर फसल और बागवानी पैदावार में मदद करती है। इस प्रणाली में पंप को सौर पैनल से शक्ति मिलती है जो पानी के टैंक को भरने में मदद करता है। इस पानी को सिंचाई के लिए किसान काम में ले सकते हैं। हालांकि जो किसान ड्रिप से सिंचाई करना चाहते हैं उन्हें पानी का टैंक कुछ ऊंचाई पर रखना चाहिए ताकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पानी कम दाब पर भी ड्रिप सिंचाई प्रणाली तक पहुँच सके। पंप, टैंक एवं खेतों के क्षेत्रफल का निर्धारण पानी की उपलब्धता और क्षेत्र के लिए अनुमानित बाष्पन उत्सर्जन की जरूरतों के आधार पर किया जाता है। सौर ऊर्जा संचालित ड्रिप सिंचाई प्रणाली के मुख्य घटक हैं सौर पैनल, इसमें अर्धचालक लगे होते हैं जिससे फोटोवोल्टिक प्रभाव उत्पन्न करके प्रकाश ऊर्जा को बिजली में बदला जाता है। एक सौर पैनल बहुत सारी छोटी छोटी सौर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है।
सौर पैनल को हम दो प्रकार से लगा सकते हैं, एक निश्चित स्थान पर, दूसरा ट्रैकिंग संरचना पर। निश्चित संरचना वाले पैनल कम महंगे और उच्च वेग वाली वायु को भी सहन कर सकते हैं। दूसरी ओर ट्रैकिंग संरचना थोड़ी महंगी होती है, लेकिन इसमें सौर पैनल को आसानी से सूरज की दिशा में किया जा सकता है। ये संरचना निश्चित संरचना की तुलना में 25% ज्यादा पानी देती है। सोलर पंप सौर ऊर्जा से चलाने के लिए विशेष पंप का उपयोग किया जाता है, जो कि डीसी यानी डायरेक्ट करंट से चलते हैं। ये पंप बहुत दक्षता वाले होते हैं। इनकी कीमत भी एसी यानी अल्टरनेट करंट से चलने वाले पंप से अधिक होती है। पानी का टैंक इस प्रणाली में टैंक पानी भंडारण के लिए उपयोग में लेते हैं। टैंक की भंडारण क्षमता कम से कम इतनी होनी चाहिए कि वो 3 दिन तक पानी की मांग की आपूर्ति कर सके। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि रात के समय और बादलों के दिनों में सूरज नहीं होने के कारण ये प्रणाली काम नहीं करती है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली सोलर प्रणाली के साथ ड्रिप सिंचाई किसानों को कम पानी वाले क्षेत्रों में फसल पैदा करने का सबसे कुशल तरीका प्रदान करती है। इस प्रणाली में पानी मुख्य लाइन से लेटरल लाइनों से होता हुआ पौधे तक पहुंचता है। प्रत्येक ड्रिपर से पानी और पोषक तत्वों की नियंत्रित मात्रा पौधों की जड़ों तक पहुंचती है। सोलर पैनल को स्थापित करना सामान्यतया भारत में 300 स्पष्ट धूप दिन होते हैं, इसलिए किसानों को सौर ऊर्जा संचालित प्रणाली का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सौर ऊर्जा संचालित ड्रिप सिंचाई प्रणाली किसानों के लिए एक बहुत ही श्रेष्ठ विकल्प है, जो 50% से अधिक पानी की बचत करता है, साथ ही अक्षय ऊर्जा का भी उपयोग करता है। ये प्रणाली दूरदराज के गांवों के लिए बहुत उपयोगी और धूप वाले दिनों के दौरान सबसे प्रभावी होती है। इस प्रणाली से किसान की आय तो बढ़ती ही है, साथ ही प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के खर्चे से बचने में भी मदद मिलती है। अनुदान कृषि क्षेत्र में लगने वाले सोलर पंप पर केंद्र और राज्य सरकार उद्यान विभाग के माध्यम से सब्सिडी देती है। 3 HP वाले पंप की बाजार में कीमत लगभग 3,90,000 रुपए है, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मिलने वाली सब्सिडी को घटाने के बाद ये पंप किसान को लगभग 67,000 से 70,000 रुपए में पड़ रहा है। वहीं 5 HP का सोलर पंप भी किसानों को करीब 80,000 रुपए में मिल जाता है। हालांकि पंप लगवाने के इच्छुक किसानों को 10,000 रुपए का DD बनवाकर विभाग में जमा करना होता है, जिसके बाद सरकार की ओर से अनुदान जारी किया जाता है। देश के सभी राज्यों में इसकी कीमतों में अंतर देखा जा सकता है, क्योंकि इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार अलग अलग अनुदान देती हैं। बिजली कनेक्शन लौटाने वाले किसानों को मिलेगा पूरा अनुदान। 2015-16 की वरीयता सूची वाले किसान जो बिजली कनेक्शन लौटाना चाहते हैं, उनको मिलेगा 75% अनुदान। जिन किसानों के बिजली कनेक्शन नहीं है और डिस्कॉम की वरीयता सूची में भी नहीं है, उनको मिलेगा 60% अनुदान। जिन किसानों के पास कृषि बिजली कनेक्शन है और वे लौटना नहीं चाहते, उनको आधार दर का 30% अनुदान देय होगा। कृषि दर्पण, जी मीडिया। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक और अहम जानकारी भरी रिपोर्ट के साथ हाजिर हो रहे हैं, आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस साल प्याज का उत्पादन कम हुआ है और इस कारण से प्याज के दाम बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर आप प्याज की रोपाई करने वाले हैं तो उसमें मल्चिंग और ड्रिप जैसी आधुनिक विधियों का इस्तेमाल आपके उत्पादन को 1.5 गुना तक बढ़ा सकता है। ऐसे में कृषि दर्पण की ये रिपोर्ट आपके बड़े काम आएगी, जिसमें ऐसी विधियों को अपनाकर सालों से प्याज की खेती करने वाले सफल किसान का अनुभव है और कृषि वैज्ञानिक की सलाह भी। प्याज एक नगदी फसल। वैसे तो प्याज तीनों सीजन में उगाई जाती है, लेकिन उत्तर भारत के ज्यादातर किसान रबी सीजन में प्याज लगाते हैं। रोपाई का सीजन चल रहा है, इसमें अगर आप कुछ मॉडर्न टेक्निक्स अपनाएंगे तो उपज में 1.5 गुना तक बढ़ोतरी संभव है। जैसा कि जयपुर जिले के बधाल गांव के प्रगतिशील किसान शीश पाल निठारवाल करते हैं। वो खुद से तैयार की गई नर्सरी की पौध को बीजामृत में डालकर रखते हैं। बीजामृत गाय के गोबर, गौमूत्र और पानी में कैल्शियम को मिलाकर बनाया जाता है। इससे उपज तैयार होने तक पौधे की जड़ों में कोई रोग नहीं होता है और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है। ये जैविक विधि है, इसके अलावा रासायनिक विधि से भी जड़ का उपचार संभव है। गाय का गोमूत्र और गाय का गोबर और पानी, इनको मिला करके उसमें थोड़ा कड़ियों डाल देते हैं
और उसका घोल बना करके एक रात में उसको रख देते हैं, और सुबह हम मल्च उसमें पौध में उसको बीजामृत बोलते हैं, बीजामृत से संस्कार करके फिर चुबाई करते हैं। एक तो पौध रोपण से पूर्व उसको बायोस्टीन के घोल में 15 से 20 मिनट तक पौध को डुबो कर रखना चाहिए, फिर लगाना चाहिए। इससे गुलाबी जड़ जो होती है वो कंट्रोल होती है तथा वायरस ये कंट्रोल होता है। पौधों की रोपाई रेस्ड बेड बनाकर करें। पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें, वहीं लाइन से लाइन के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। प्याज में खाद उर्वरकों का भी खास ख्याल रखना चाहिए। प्याज की खेती के लिए 20 से 25 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद काम में लेनी चाहिए, और उसमें 8 कट्टे जिप्सम के काम में लेना चाहिए, जिससे गंधक की पूर्ति हो सके। इसके अलावा नाइट्रोजन 50 किलो, फास्फोरस 50 किलो, पोटास 100 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से खेत की तैयारी के समय देना चाहिए। नाइट्रोजन 25 किलो पौध लगाने के 1 माह बाद तथा नाइट्रोजन का 25 किलो का पौध लगाने के 1.5 माह बाद दोबारा छिड़काव करना चाहिए। वैसे प्याज में पौध रोपण के तुरंत बाद हल्की सिंचाई की जरूरत होती है, फिर 2-3 दिन बाद दूसरी सिंचाई, और आगे 10 से 12 दिनों पर सिंचाई करते रहना चाहिए। पर खुदाई के लिए 15 दिन पहले सिंचाई पूरी तरह बंद कर देनी चाहिए। लेकिन अगर आप सिंचाई की ड्रिप विधि अपनाएंगे तो पैदावार ज्यादा होगी और क्वालिटी में निखार आएगा। इसी तरह मल्चिंग विधि अपनाएंगे तो प्याज की साइज बढ़ेगी। प्याज की नर्सरी तैयार होने के बाद में हम खेत तैयार रखते हैं, और खेत में हमें मल्चिंग में भी करते हैं प्याज, और बिना मल्चिंग में भी करते हैं। जो फुहारे से होता है बिना मल्चिंग में करते हैं तो, और मल्चिंग से अगर हम करते हैं तो उसमें ड्रिप होती है, और ड्रिप में हम मल्चिंग द्वारा करते हैं उसमें काफी फायदा रहता है। उसमें क्वालिटी प्याज की बहुत बढ़िया आती है, एक पानी बहुत कम लगता है, और एक साइनिंग जो प्याज की ग्रेडिंग हमें करनी नहीं पड़ती है, उसमें ग्रेडिंग एक साइज की ग्रेडिंग हो जाती है अपने आप ही। तो उसमें उत्पादक मल्च में ज्यादा होता है। उसका कारण होता है कि मल्च के अंदर ह्यूमस बनती है, जो ह्यूमस प्याज की जड़ों के विकास में सहायक होती है। ड्रिप से खेती करने पर इसमें प्याज की एक तो साइज सही बैठती है, टाइम पानी की बचत होती है, 70 से 80% पानी की बचत होती है। लेकिन आजकल हाईटेक का जमाना है, हाईटेक खेती में किसान उसके ऊपर बेड बनाता है, बेड बना के उसके ऊपर मल्च लगाता है। मल्च लगाने से पानी की बचत होती है, खरपतवार नियंत्रण रहती है, और उससे प्याज की साइज सही बैठती है, और उसके अलावा कलर भी बहुत अच्छा आता है, और उनके साइज समान होती है, जिससे क्या किसान को काफी मुनाफा होता है। सामान्य तरीके से प्याज की रोपाई में जहां लगभग 30,000 प्रति एकड़ का खर्च आता है, वहीं ड्रिप और मल्चिंग की विधि अपनाने से प्रति एकड़ 40 से 42 हजार का खर्च आता है, यानी 10 से 12 हजार प्रति एकड़ लागत में बढ़ोतरी होती है। लेकिन यही आधुनिक विधि 50 क्विंटल तक उपज बढ़ा देती है। मल्चिंग विधि से रोपाई करने पर खेत में खरपतवार नहीं लगते हैं और जमीन से फैलने वाले रोग कीट भी परेशान नहीं करते। इसके अलावा मल्चिंग के कारण चूंकि जमीन में नमी बरकरार रहती है, इसलिए 6 से 7 सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि 2-3 सिंचाई से ही अच्छी उपज मिल जाती है। साथ ही बेहतर क्वालिटी होने के कारण मार्केट में ऐसे प्याज के रेट भी ज्यादा मिलते हैं। इससे होने वाले फायदे को शीशपाल के अनुभव से समझिए। हमारे से अगर हम करते हैं, बाहर करते हैं मल्चिंग के बाहर प्याज करते हैं, तो उसमें पैदावार हमारी होती है 1 एकड़ में 120 से 140 क्विंटल के लगभग। जब हम मल्चिंग में करने लगे तो उसकी पैदावार हमारी होगी 170 से 180 क्विंटल, 1 एकड़ की पैदावार ये होती है। इसमें प्याज का खर्चा 1 एकड़ का लगभग 30,000 के लगभग आता है, और मल्च में अगर हम चुबाई करते हैं तो उसका 1 एकड़ का 40-42 हजार का खर्चा आता है इसमें। दरअसल अब ऐसी मशीनें भी आ गई हैं जिनसे मल्चिंग के लिए प्लास्टिक में छेद करने में होने वाली दिक्कत दूर हो गई है। मजदूरी और समय की बचत के साथ साथ छेद समान दूरी पर और एक साइज के होने से रोपाई और खेती की क्रियाओं में आसानी होती है।
मल्चिंग में जो हाथ से छेद निकालते थे उसमें काफी मजदूरी लगती थी, लेकिन अब एक नई टेक्निकल में मशीन चलाई है, वो मशीन छेद निकाल देती है, दो आदमी उसको चला देते हैं और 2 एकड़ में 5 घंटे में 2 एकड़ में निकल जाता है छेद। तो इसमें काफी मजदूरी का भी हमें फायदा होता है और छेद भी इसमें एक साइज के छेद निकलते हैं। इस तरह आधुनिक विधियों को अपनाने से प्याज की खेती में भले ही खर्च में थोड़ी बढ़ोतरी होती है, लेकिन उपज और क्वालिटी दोनों बढ़ने से बेहतर मुनाफा भी होता है। आप इन विधियों के इस्तेमाल से प्याज की उन्नत खेती कर ज्यादा लाभ ले सकते हैं। कृषि दर्पण जी मीडिया। और अब देखिए कुछ प्रमुख फसलों और फलों की प्रमुख मंडी में चल रहे अधिकतम और थोक भाव की जानकारी। कृषि दर्पण में दिलचस्प नई जानकारियों से भरी रिपोर्ट के साथ कल फिर सुबह 6:30 बजे होंगे हाजिर। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।